मॉर्निंग बच्चों, आज हमने अभी तक इससे पहले जो क्लास है उसमें गोनेट्स पढ़ा था, ठीक है। मतलब जन्नत हमने पढ़े थे, कैसे वो उससे रिलेटेड होते हैं, उनके हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो अगर हम आज जो क्लास है उसमें हम हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रजनन में हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है इनकी प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म्स होती हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि चाहे अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चीज़ वैसे मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, बट इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर हम देखते हैं कि कोई भी मेल हो या फीमेल, अभी हमने इसमें एक एग्जांपल मेल का दिया होगा, ठीक है, तो मेल में क्या होगा, मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के, मेल या फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस सीरा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है हाइपोथैलेमस जो है वो फैक्टर्स रिलीज करता है, या तो रोकने के लिए या रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, मतलब गोनेड्स के को जो हार्मोन सिक्रीट कराएंगे वो रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग। तो GnRH के कारण अब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन से हार्मोन, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको रिलीज कराएगा फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। अब LH जो होगा वो लीडिंग सेल्स पर, हमने पढ़ा हुआ था लीडिंग सेल्स कौन सी थी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। हमें हार्मोन का ही पढ़ना है इसलिए हम उसी के बारे में बता रहे हैं। तो टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा LH के कंट्रोल में, और हमने क्या बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं, नर्व सेल, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल्स टेस्टिस में होती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लीडिंग सेल से सिक्रीट हो रहा है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सर्टोली सेल पे वर्क करेगा, और सर्टोली सेल क्या करेंगी, वो जो स्पर्म होते हैं उन्हें रिलीज कराती हैं, उनको फॉर्मेशन कराएंगी। तो सर्टोली सेल्स ये हो गई, ठीक है, इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर उन पर ये टेस्टोस्टेरोन काम करके स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन की क्रिया करेंगे, और ये सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स शुक्राणु जनन की क्रिया स्टार्ट करेगी या स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसी समय एक इनहिबिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है, वो इनहिबिन, इनहिबिन नाम से क्लियर है, रोकने वाला। तो ये जो रेड डॉट दिख रही है लाइन, ये हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग को रोकने के लिए, तो ये जो इनहिबिन सिक्रीट होगा वो हाइपोथैलेमस को रोकेगा, ठीक है। वैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को उनके फंक्शनिंग में, स्ट्रक्चर में, उनमें सब में हेल्प करता है फॉर्मेशन में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है, जब प्रजनन की जो प्रजनन के जो पार्ट्स हैं और सभी ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। तो और जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या होगा, इसी से एक इनहिबिट्स GnR, जब फंक्शनिंग चल रही है एक पर्टिकुलर टाइम, फिर रुक रही है, तो रुकेगी कैसे, GnRH और LH का प्रोडक्शन रोक के। ये रोकेगा कौन, हाइपोथैलेमस इनहिबिट, तो हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा, GnIH, गोनेडोट्रॉपिक इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, हार्मोन RF या IF, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ये फॉर्मेशन को रोक देगा LH और FSH को। इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स में देखेंगे, फीमेल्स में भी यही होगा कि हाइपोथैलेमस GnRH
वही फीमेल्स में होगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH सिक्रीट होगा। FSH हार्मोन के कंट्रोल में जो ओवरीज हैं वो क्या करेंगी, फॉलिकल सेल बनाती हैं, फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा। ये एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और इनको फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पहले अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको अब इस लेक्चर में जो तुम लोगों को पढ़ना है वो क्या है कि हमने पढ़ा कि गोनेडोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, ओवा फॉर्मेशन, ये इसके अंदर आ जाएगा। जब स्पर्म एंड ओवा बन जाते हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन, निषेचन। स्पर्म ओवा बन गए, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद आरोपण, इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये जो है कुछ इनके टॉपिक्स की गोनेडोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, आरोपण, गेस्टेशन जो प्रेगनेंसी टाइम है, और पार्ट्यूरेशन, चाइल्ड बर्थ। तो इन तीनों में, इस टॉपिक, इस वाले पार्ट में आपको इन तीनों में हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन मतलब आरोपण, गेस्टेशन जो प्रेगनेंसी टाइम 9 मंथ का रहता है, और पार्ट्यूरेशन जिस समय चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, अब इसमें देख लो, हम क्या कहते हैं कि ओवा, ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, ये है ओवरी से ओवा रिलीज होगा। ये ओवा कहाँ जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में, ये ओवरी से ओवा फैलोपियन ट्यूब में गया। यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओवा अपने आप मूवेबल, जैसे स्पर्म तो मूव करता है, ओवा मूव नहीं करते, पर इनके जो सीलिया होती है, ओवी डक्ट, ये है ओवी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो ये ओवा जो है ये यहाँ पर आएगा और इस फैलोपियन ट्यूब में रह जाता है। स्पर्म जो हुए वो फर्टिलाइजेशन के लिए वो यहां से एंटर हुए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम फिम्बरी से फैलोपियन, ये ओवरी है, ओवरी में ओवा रिलीज हुआ, खाली कॉर्पस ल्यूटियम रह गई, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ओवा रिलीज हो गया यहां पर और खाली कॉर्पस ल्यूटियम रह गई, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती रहती है। अब ये ओवा फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल लाइफ की फर्स्ट सेल होती है वो होती है जाइगोट, युग्मनज। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बन गया, जाइगोट सिंगल सेल होती है, एक सेल स्ट्रक्चर होता है, लाइफ की फर्स्ट सेल, क्योंकि इसी से आगे जाके क्या होता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई। अब क्या हो रहा है, ये डिवीजन जैसे से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये जाइगोट आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें डिवीजन भी शुरू होता रहता है। तो 4 डिवीजन हो गया 4 सेल में, अब 4, 8, 16, 32 स्टेज जो होती है, अब ये नाम सुना होगा, मोरूला, ब्लास्टुला, ठीक है। तो 32 सेल स्टेज मोरूला स्टेज कहलाती है, डिटेल में थर्ड ईयर में है। तो
मोरूला स्टेज कौन सी होगी? मलबेरी, मतलब एक शहतूत के जैसा एक सेल का गुच्छा। इसी मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ध्यान रखना, सेल की दो लेयर बन जाती हैं, मोरूला ब्लास्टुला। पहले मोरूला बनेगी फिर ब्लास्टुला बनेगी। तो ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ की सेल को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट, इसमें दो तरह की सेल्स हो गई, बाहर की तरह तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल ये, और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उनसे एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, अंदर के जो सेल्स हैं इनसे एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और एम्ब्रियो को पोषण या न्यूट्रिशन देने के लिए ट्रोफोब्लास्ट सेल मदद करती हैं। ट्रोफो मतलब होता है ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल पोषण देंगी, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब उस एम्ब्रियो के चारों ओर उसका नाइट्रोजनस वेस्ट लेने के लिए, खाना देने के लिए, जैसे नाम सुना होगा योग सैक, एलेंटॉइस। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक्स्ट्रा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ, इनको ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, बाहर का जो लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर के को एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, ये क्या है, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट ओवरी है, ये जो पोर्शन है वो यूट्रस, और ये इसकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये जो होगा ये कहलाता है सर्विक्स, सर्विक्स, और ये वजाइना। ठीक है, तो जो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये देखो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट, ये डिवीजन मोरूला ब्लास्टुला होते होते ब्लास्टोसिस्ट जो बन रहा है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये इस एंडोमेट्रियम इनर जो वॉल है यूट्रस की वहाँ आके जुड़ जाता है। इस जुड़ने को कहते हैं आरोपण या इम्प्लांटेशन, ये। ठीक है, आरोपण या इम्प्लांटेशन, ये जो प्रोसेस होती है ये सेवंथ डे होती है फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, सातवें दिन जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मूव करता हुआ, गति करता हुआ यूट्रस में पहुंच जाता है और वहां पर जुड़ जाता है। ये जुड़ने के लिए क्या होगा कि इसमें एक ये एग होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और इसके बाहर जो है ये कहलाती है कोरियोनिक मेम्ब्रेन। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इम्प्लांटेशन के लिए आता है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन ये कहलाती है कोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उस जाइगोट के ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ, तो अब ये जाइगोट नहीं, अब ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा, तो कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस की वॉल है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये जुड़ रहा है ये लाइटिक एंजाइम के कारण ये जो जगह है ये कोरियोन गायब हो जाता है, और इसकी वॉल, ये कोरियोन जो है ये अंदर की तरफ यूट्रस की वॉल में पेनिट्रेट करता है, और दोनों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जुड़ जाती हैं। ये मदर का पार्ट हो गया और ये ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट की कोरियोनिक मेम्ब्रेन कोरियोन और मदर की यूट्रस दोनों जुड़ गई, और क्या बन जाता है, प्लेसेंटा। तो अब अगर आपको हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, आरोपण के समय हार्मोनल कंट्रोल बताना है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्लांट, ये जो प्लेसेंटा होता है ये बन जाएगा इस समय इम्प्लांटेशन में। जब प्लेसेंटा बनेगा तो HCG हार्मोन सिक्रीट करेगा प्लेसेंटा। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, उसको जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। ठीक है, दूसरा ये जब तक प्लेसेंटा बना रहेगा ये हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है,
तो ये प्लेसेंटा हो गया। दूसरा जो HCG होता है ये प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन भी शुरू कर देता है। उधर तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगी, इधर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। अब नाम से क्लियर है, कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक मतलब कोरियोन से, ये जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है इससे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस की, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है प्लेसेंटा से भी सिक्रीट हो रहा है। ये पूरे प्रेगनेंसी टाइम में इस प्लेसेंटा को, एंडोमेट्रियम यूट्रस की अंदर की लाइनिंग को पूरे प्रेगनेंसी टाइम में बना के रखता है, ठीक है। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये किसके कंट्रोल में हो रहा है, LH के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगी यहाँ पे खाली रह गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप जो रहेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका सिक्रीशन करती रहेगी और प्लेसेंटा को बनाए रखती है। तो ये इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है, इस आरोपण के समय HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन काम करेंगे। इनके काम हमें पहले से पता ही है, ठीक है। तो आपको पहले तो उसकी वो जो वो है क्या इम्प्लांटेशन, उनके बारे में और उससे रिलेटेड हार्मोन्स और उनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम गेस्ट्रेशन और पार्टुरेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।